नमस्कार साथियों, आज अमेरिका के स्वतंत्रता के बारे में चर्चा होगी और इस पर भी चर्चा होगी कि अमेरिका की स्वतंत्रता में चाय पे चर्चा ने क्या भूमिका अदा की है। आप जानते हैं कि अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति है और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्रतिमान है, विकास का आइकॉन है, हिंदुस्तान के छात्रों की अध्ययन के लिए पहली पसंद है, बहुत सारे हमारे युवा अमेरिका में नौकरी पेशा के लिए आते हैं और एक अच्छा खासा भारत और अमेरिका में लोकतांत्रिक आपस में अंतर संबंध है। यह संयोग ही है कि अमेरिका में जुलाई में और भारत में अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसीलिए हम इस पे आज चर्चा करके ये देखते हैं कि इन दोनों में कहीं को क्या क्या साम्य है, कहीं कुछ तुलनीय कोई चीज है कि नहीं। और 4 जुलाई अमेरिका में एक बहुत बड़ा तारीख माना जाता है, पूरे अमेरिका में बड़े धूमधाम से इसको मनाने की कोशिश की जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसमें चाय की क्या भूमिका थी। चाय आप जानते हैं कि आज एक भारत में हर घर में हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई बहुत खास बात है, बल्कि इसलिए कि वो एक सोशल प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा साधन हो गया है। परिवारों में भी हम सुबह की चाय, शाम की चाय परिवार के सभी सदस्यों के साथ पीना पसंद करते हैं, मित्रों के साथ पसंद करते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी पारिवारिक बातें हो जाती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यारों में भी, हॉस्टल्स में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेस में भी चाय की दुकानों पे आसपास काफी सार्थक चर्चाएं होती हैं। बहुत बड़े बड़े निर्णय चाय की प्यालियों में ले लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गूढ़ विषय चाय की प्यालियों पे हल हो जाते हैं, अध्ययन के या कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती है वो सब हम लोग देखते हैं कि भाई चाय पे बात करते करते उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और 2014 से तो आप जानते हैं कि भारत में चाय और चाय वाला और चाय पे चर्चा ये बहुत ही चुनावी ही और पॉलिटिकल एक प्रकार से फ्रेजेस हो गए हैं। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बचपन में चाय बेची थी और उसकी वजह से उनके प्रति कुछ 2014 के चुनावों में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, तो उसको उन्होंने एक पॉजिटिव एंगल से लिया और पूरे देश में चाय चर्चाएं आयोजित की जिसमें कि लोगों को कनेक्ट होने का मौका मिला उनसे और उसका परिणाम ये रहा कि काफी उनको अभूतपूर्व सफलता 2014 के चुनावों में मिली। और एक प्रकार से चाय पे चर्चा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का भी एक प्रकार से इंडिकेटर है जो कि हम नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में या भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका भी, जो विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, क्या वहां भी स्वतंत्रता की प्राप्ति में चाय पे चर्चा ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी? आज से 250 साल पहले लगभग अमेरिका में भी, अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में बॉस्टन एक जगह है, वहां पे बॉस्टन टी पार्टी आयोजित की गई और उस बॉस्टन टी पार्टी ने ही अमेरिका में स्वतंत्रता की आधारशिला रखी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में स्वतंत्रता की प्राप्ति में चाय की भूमिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की ही तरह अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने, 13 राज्यों ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ये डिक्लेयर किया कि अब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और ये जो 13 राज्य थे या अमेरिका के 13 जो कॉलोनीज थे, ये सब के सब एटलांटिक, अमेरिका का जो एटलांटिक वाला साइड है, जो नॉर्थ, जो ईस्टर्न साइड है, उस साइड में थे। और इनमें जैसा कि हम देख सकते हैं, न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, रोड्स है, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, डेलबर है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया, ये 13 राज्य वहां पे है जो कि वो पूरी पट्टी सी बनाते हैं उसके ईस्टर्न साइड में और जो कि जहां पे ब्रिटेन से ज्यादा व्यापार चाय का हुआ करता था। तो हुआ यूं कि 1765 में, कैसे शुरुआत हुई आइए देखते हैं, 1765 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक स्टैंप एक्ट पास किया और वो जो स्टैंप एक्ट था उसमें बेसिकली ये था कि बहुत सारे टैक्सेस ब्रिटेन ने लगाए अमेरिका की कॉलोनीज या अमेरिका के लोगों के ऊपर, और उसका जो पर्पस था वो ये था कि जो ब्रिटेन की आर्मी है उसको यूएस में एक प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो एक प्रकार से अपनी ही आर्मी को और उसके खर्चों को उन्होंने अमेरिका के लोगों पे थोप दिया,
ये बात वहां के लोगों को नागवार गुजरी और उनको इस बात से और दिक्कत हुई क्योंकि उसमें उस टैक्सेस के बढ़ने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उसी जमाने में आप जानते हैं कि ब्रिटेन में डेमोक्रेटाइजेशन का भी प्रयास चल रहा था और पार्लियामेंट अपने राइट्स को असर्ट कर रही थी किंग के ऊपर, मोनार्की के ऊपर, और वहां पे एक प्रकार से एक नॉर्म एक्सेप्ट कर लिया था वहां पे किंग ने कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात बिना प्रतिनिधित्व के कोई भी टैक्स राजा नहीं लगा सकेगा। और इस प्रकार से पार्लियामेंट का अस्तित्व एक प्रकार से प्रकाश में आया और पार्लियामेंट ने ये निर्णय लिया कि भाई अब जो भी टैक्सेस लगाए जाएंगे वो सारे के सारे टैक्सेस बाकायदा पार्लियामेंट के ही कहने पे लगाए जाएंगे। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि भाई हम भी तो ब्रिटेन के ही नागरिक हैं, हम भी तो ब्रिटेन के ही सब्जेक्ट्स हैं, और लिहाजा जो सिद्धांत आपने ब्रिटेन में लागू किया है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का, वही सिद्धांत हमारे यहां भी लागू कर दीजिए, वही सिद्धांत अमेरिका में लागू कर दीजिए, हमारे ऊपर टैक्स लगाइए, बट गिव अस द राइट टू राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट हम उसमें कोई भूमिका तो निभा सकेंगे भाई उन टैक्सेस में क्या चाहिए क्या बुराई है कितना टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन अमेरिका की इस बात को, अमेरिका की 13 कॉलोनीज की इस बात को ब्रिटेन ने नहीं माना और नहीं मानने का परिणाम यह हुआ कि 13 कॉलोनीज ने यह डिसाइड किया कि हम अमेरिका में ब्रिटेन के माल को नहीं घुसने देंगे या उसका बायकॉट करेंगे। और जाहिर है कि बायकॉट एक इकोनॉमिक बायकॉट बहुत बड़ी चीज होती है, अगर अमेरिका वहां 13 कॉलोनीज में अपना माल ही नहीं बेच पाएगा तो फिर सब चीज ही खत्म हो जाती है। इसलिए इतना स्ट्रिंजेंट मेजर था कि अमेरिका को अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ा और एक ही साल के बाद 1766 में उसने अपना स्टैम्प एक्ट को रिपील कर दिया, उस कानून को निरस्त कर दिया। लेकिन फिर 5-6 साल के बाद 1773 में ब्रिटेन के संसद ने एक टी एक्ट पास किया, चाय कानून पास किया, 10 मई 1773 को चाय कानून पास किया। और उस चाय कानून में एक खास बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, आपने भी देखा होगा कि भारत में भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने काफी एक्सप्लॉयटेशन किया, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी अमेरिका की 13 कॉलोनी में भी सक्रिय थी और वो क्या करती थी कि चाइना से चाय खरीद के सस्ते दामों पे और महंगे दामों पे अमेरिका में बेचती थी, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वहां से यहां लाने का, वो चाहती थी कि बहुत सारा उसको टैक्स ड्यूटीज में कंसेशन मिल जाए जिससे कि वो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ कम्पीट कर सके और लोकल प्रोडक्ट से भी कम दाम पे अपने सामानों को बेच सके। ये तभी हो सकता था जबकि उसके उत्पादों पे टैक्सेस घटा दिया जाए। तो जो टी एक्ट बनाया गया उसमें खास तौर से एक आइटम टी पे टैक्सेस घटा दिया गया और ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से उसको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक प्रकार से जब एक पार्टी पे कोई टैक्स ही नहीं लगेगा और सारे पार्टियों पे टैक्स लगेगा तो जाहिर है कि उसका उत्पाद सस्ता बिकेगा और एक प्रकार से उसकी तो मोनोपोली हो गई पूरा 13 कॉलोनीज में टी की मार्केटिंग पे। तो जो और वहां के टी ट्रेडर्स थे उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने 13 कॉलोनीज के सभी जो टी मर्चेंट्स थे, बड़े गन्स थे, उनको आमंत्रित किया कि बॉस्टन में एक टी पार्टी आयोजित की गई 16 दिसंबर 1773 को। और ये टी पार्टी इतनी महत्वपूर्ण टी पार्टी थी कि इसमें एक बहुत गंभीर निर्णय लेना था कि भाई हम लोग किस प्रकार का रुख अपनाएं। तो उस चाय चर्चा में अमेरिका में जो बॉस्टन में टी पार्टी हुई, चाय चर्चा हुई व्यापारियों के बीच में 13 कॉलोनीज के, उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम अमेरिका में ब्रिटेन का चाय नहीं बिकने देंगे। और लगभग 18,000 पाउंड का उस जमाने में सोचिए 1773 में उसकी क्या वैल्यू रही होगी, 18,000 पाउंड मूल्य का जो चाय था उन्होंने अटलांटिक में उसको डुबो दिया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ले आई थी वहां पे बेचने के लिए। और उन्होंने यही कहा कि ये हमने इसलिए किया है कि ये जो ब्रिटेन ने टी एक्ट पास किया है ये हमारे राइट्स का वायलेशन करता है, लिहाजा हम इसको यहां पे सफल नहीं होने देंगे। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन कितना हतप्रभ हुआ होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी आहत हुई होगी और उन्होंने कितने कोअर्सिव मेजर्स लिए होंगे और बहुत सारे कोअर्सिव मेजर्स लिए। उस कोअर्सिव मेजर्स का परिणाम ये हुआ कि प्रतिरोध और गंभीर हो गया अमेरिका की 13 कॉलोनीज में, ब्रिटेन के टी एक्ट के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति प्रतिरोध और बहुत ज्यादा हो गया। और उसकी वजह से मैसाचुसेट्स में यह निर्णय लिया गया राज्य के द्वारा कि अब हम ब्रिटेन का रेजिस्टेंस करेंगे, ब्रिटेन का हम विरोध करेंगे। और परिणाम यह हुआ कि 1775 में, अर्थात 2 ही साल के बाद, बाकायदा ब्रिटेन में और मैसाचुसेट्स में और अन्य जो 13 राज्यों के लोग थे वो सब संगठित हुए, उन्होंने सेनाएं अपनी कुछ इकट्ठा की और दोनों के बीच में गंभीर संघर्ष हुआ।
और संघर्ष किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक संघर्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटेन को एक सिग्नल था कि नाउ योर आर्बिट्री टैक्सेशंस आर नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी यू नो रेजिस्टेंस। तो लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने कोई भी उसमें रिफॉर्म करने से मना कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कॉलोनीज ने भी ये डिसाइड कर लिया कि अब हम अपने ऊपर से ब्रिटेन की संप्रभुता को ही हटा देंगे, समाप्त कर देंगे। 1776 में थॉमस पेन ने एक बहुत बढ़िया कॉमन सेंस करके एक पैम्फलेट लिखा जिसकी लगभग 500,000 कॉपीज हाथों हाथ बिक गई, और उसमें इसी बात पे बल दिया गया था कि अब हमको ब्रिटेन के स्वतंत्रता से अपने को अलग करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए 5 लोगों की एक कमेटी ड्राफ्ट की गई, और 5 लोगों की कमेटी ड्राफ्ट करने के बाद 5 लोगों की कमेटी ने थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में जॉन लॉक को संदर्भित करते हुए उनकी एक ड्राफ्टिंग की, और उस ड्राफ्टिंग में बेसिक की फंडामेंटल्स ये थे कि यह सत्य स्वयं सिद्ध है कि सभी लोग एक समान पैदा हुए हैं, कि ईश्वर ने उन सभी को कुछ प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, कि उन अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करने का अधिकार सन्निहित है। तो इस प्रकार से ये जो 3 चीजें बताई गई उसके द्वारा एक प्रकार से वहां पे बहुत जोश आ गया लोगों में, और सभी लोगों ने कहा कि भाई जब सब लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, सबको अधिकार है समान, तो फिर वाई वी आर सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश अथॉरिटी, वाई नॉट प्रोटेस्ट दैट। और इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हुए 2 जुलाई 1776 को 13 राज्यों की जो कांग्रेस थी, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, उसने एक निर्णय लिया, और उसने निर्णय ले लिया कि वी आर सेपरेटिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, हम ब्रिटेन से अपने को अलग करते हैं। और 4 जुलाई 1776 को, अर्थात 2 दिन बाद 4 जुलाई 1776 को उसे 12 कॉलोनी में एक्सेप्टेंस मिल गई, 12 कॉलोनी ने उसको स्वीकार कर लिया। केवल न्यूयॉर्क में उसको 19 जुलाई को एक्सेप्ट किया, और इस प्रकार से 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से सेपरेशन का निर्णय ले लिया। और चूंकि 4 जुलाई को 13 में से 12 राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया था, इसलिए 4 जुलाई को ही हमेशा और हर वर्ष अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज अमेरिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक प्रतिमान मानी जाती है, विश्व के बहुत सारे देश उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, हम लोग भी भारत में अपनी स्वतंत्रता, अपनी लोकतंत्र के बहुत सारे वैल्यूज को अमेरिका से कंपेयर करते हैं, और इसलिए ये दोनों बहुत एक दूसरे से कहीं कनेक्टेड है। और खास तौर से चूंकि चाय पे चर्चा इस समय भारत में काफी डोमिनेंट डिस्कोर्स है, और इसीलिए मुझे लगा कि अमेरिका में भी जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो एम्पावरमेंट अमेरिका का हुआ, जो एंटी कॉलोनाइजेशन मूवमेंट्स हुए, जो मिलिट्री संघर्ष हुआ वहां पे, उसमें भी बॉस्टन टी पार्टी 1773 की एक बहुत मजबूत, इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन था, और इसलिए अमेरिका के स्वतंत्रता को प्राप्त करने में भी चाय की और चाय पे चर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आशा है कि इस विषय पे आप और गंभीरता से अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग अमेरिका के संविधान और वहां की राजनीति के बारे में यदा कदा जब भी संभव होगा चर्चा भी करते रहेंगे, और अगर संबंध में आपको कोई प्रश्न आदि हो तो जरूर पूछने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।